बैटमैन सुपरमैन हैरी पॉटर्स जैसे मूवी हमने बचपन में देखा है और इन सभी मूवीज को बनाता है वॉर्नर ब्रदर्स। बट इनके ऊपर अभी क्राइसिस के बादल छाए हुए हैं। इनका शेयर प्राइस जहां $40 से $70 एक टाइम पे था, $10 पे रह चुका है। रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे इनकी $47 बिलियन का कर्ज। जैसे हमें पता है ज्यादा कर्ज किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए वॉर्नर ब्रदर्स कर्ज चुका तो रहे हैं, मगर एक और चीज इनके आड़े आ रहा है, वो है कंपटीशन। इनकी दो बड़े मूवीज ब्लैक एडम और द फ्लैश देखा जाए तो फ्लॉप थे। उन्होंने एक्सपेक्टेशन से कम कमाई की है। पिछले बार आदि पुरुष और द फ्लैश एक साथ रिलीज हुआ था, इसकी वजह से द फ्लैश ज्यादा पैसे कमा नहीं पाया। और अब एक्वामैन 2 के सामने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज जैसे सलार, डंकी, ये एक साथ रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से इंडिया में एक्वामैन 2 की कमाई पे असर पड़ेगा। इसीलिए वॉर्नर ब्रदर्स अपने बड़े बड़े मूवीज जैसे एक्वामैन, जोकर पे काम कर रहा है। बैटवुमैन एक मूवी आने वाला था, उसे भी DCU ने कैंसिल कर दिया। भले वॉर्नर ब्रदर्स अभी कर्ज पे है, बट ये 100 साल पुरानी कंपनी है और आने वाले समय में ये अपने सभी बिजनेसेस को अगर अच्छे से मैनेज करते हैं, इनका बिजनेस और स्टॉक प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगा। होप फॉर द बेस्ट।